I am Dr. Satish Patanjetty, consultant laparoscopic and bariatric surgeon practicing in Pune. आज मैं आपको ओपन हर्निया सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के डिफरेंस के बारे में बात करूंगा। आजकल लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं और दे आर ऑलवेज कंफ्यूज कि लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी अच्छा है कि ओपन हर्निया सर्जरी अच्छा है। अभी इतने सालों से सब तरफ ओपन हर्निया सर्जरी ही करते थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 10-15 सालों में लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी ज्यादा प्रचलित हो चुकी है, ज्यादा फेमस हो चुका है। 15 साल पहले अगर आपने पूछा रहता कि अब देयर इज अ कंफ्यूजन इन बिटवीन ओपन सर्जरी, ओपन हर्निया सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी, तो श्योरली मैं आपकी बात को मानता भी था कि अब 15 साल पहले थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन 2023 में अगर मुझे पूछा कि लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी अच्छा है या फिर ओपन हर्निया सर्जरी अच्छा है, तो श्योरली 100% लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी ही अच्छा है। उसके डिफरेंसेस क्या है? ओपन हर्निया सर्जरी में बड़ा कट रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हर्निया, जो अगर जांघ की हर्निया रहेगी तो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर साइज का कट रहता है। अगर बीच का अम्बिलिकल हर्निया रहेगा तो भी 10 सेंटीमीटर कट रहता है। अगर इंसिजनल हर्निया रहता है, मतलब जिसमें पहले ऑपरेशन हो चुका रहता है, उसमें जो हर्निया होता है उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, उसमें तो जो पहले कट रहता है उससे काफी बड़ा कट रहता है। तो अगर पहले आपका 15-20 सेंटीमीटर का लैप्रोटोमी का कट रहेगा तो वो उससे ज्यादा, मतलब 25-30 सेंटीमीटर का कट रहता है। तो अभी 2023 में आप इतना बड़ा कट लोगे अपने बॉडी के ऊपर? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूरबीन का जो या फिर लैप्रोस्कोपिक हर्निया के जो एडवांटेजेस है वो आपने श्योरली अभी खुद से उसके ऊपर रिसर्च करके, या मैं जो बोल रहा हूँ वो आप देखिए और मैं आपको उसके बारे में एडवांटेज बोलता हूँ। लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरीज में 3 से 4 छोटे होल रहते हैं जिससे हम दूरबीन अंदर डाल के पूरा हर्निया की सर्जरी जैसे ओपन हर्निया सर्जरी में करते हैं, सेम प्रिंसिपल्स के साथ हम ऑपरेशन करते हैं और सेम जाली बिठाते हैं। उल्टा दूरबीन से अगर जब हम ऑपरेशन करते हैं या फिर लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी जब करते हैं, तो दूरबीन से हम अंदर जाने के बाद, पेट में जाने के बाद, ओपन से ज्यादा बड़ा मेश डाल सकते हैं और इसकी वजह से जो हर्निया के वापस होने के चांस रहते हैं वो काफी काफी कम हो जाते हैं जब भी हम लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी करते हैं। मैं कॉमन एग्जाम्पल हर एक पेशेंट को बोलता हूँ कि जब भी वो मुझे पूछते कि ओपन हर्निया सर्जरी प्रीफर करना है लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी प्रीफर करना है, कि मुझे पुणे से दिल्ली जाना है, तो श्योरली 20 साल पहले या 15 साल पहले मैं कौन सा किस बारे में सोचूंगा कि मैं ट्रेन या बस के बारे में सोचूंगा। लेकिन 2023 में क्या मैं बस के बारे में या ट्रेन के बारे में सोचूंगा जब भी दिल्ली जाना है? नहीं, मैं फ्लाइट के बारे में सोचूंगा। फ्लाइट के बारे में क्यों सोचते? तो टाइम कम लगता है, कंफर्टेबल रहता है, पहुंचते हम दिल्ली, ट्रेन से भी दिल्ली पहुंचेंगे, फ्लाइट से भी दिल्ली पहुंचेंगे। सो एंड रिजल्ट ऑफ ओपन हर्निया सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी इज द सेम, प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी इज द सेम, उसके रिजल्ट भी सेम आएंगे, हम पहुंचेंगे दिल्ली ही। लेकिन जो उसका अप्रोच है, मतलब ट्रेन से जाना मतलब ओपन हर्निया सर्जरी जिसको ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा पेन होता है पेशेंट को, या फ्लाइट से जाओगे मतलब लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर हर्निया सर्जरी करोगे तो टाइम भी कम लगता है, आपका कंफर्ट भी अच्छा रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट रहती है। इसलिए अगर आपने पूछा तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी इज ऑलवेज मोर कंफर्टेबल, लेस पेनफुल, क्योंकि आपका रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी इज मच फास्टर और आप जल्दी घर जाते हो और बैक टू वर्क। आजकल बैक टू वर्क जल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैक टू वर्क इज मच फास्टर देन ओपन हर्निया सर्जरी। सो इन दिस वे आई विल सर्टेनली प्रीफर लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी ओवर ओपन हर्निया सर्जरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हर्निया, बट यू शुड गेट इट सर्टेनली डन फ्रॉम एन एक्सपीरियंस लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जन। वी आर डूइंग लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी लास्ट 15 ईयर्स नाउ, सो वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड इन डूइंग लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरीज। वी आर बेस्ड इन पुणे, सो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी इज ऑलवेज बेटर देन ओपन हर्निया सर्जरीज। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको और कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स रहेंगे, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, वी शैल रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू।